तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक। तो स्वागत है आपका एक नुचीडे 5 के वीडियो में। कैसे हो सबके सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी देखो यार, माइकल सो करके उठाया और लूसिया ने ना एक इसको शॉकिंग सी न्यूज सुना दी है। लूसिया को ना फाइनल डेस्टिनेशन पता चल चुकी है डगन और अन्ना की। तो ये कह रही है कि आज ही अपने पास एक ही चांस है, अगर हम लोग उनको मार सकते हैं तो आज ही मार सकते हैं, इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उनको सर्च करने में। अब लूसिया ने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया बात, जिसमें से ना घर पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन है। जिमी ना गाइस अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर के पता नहीं यार किस लोकेशन पर गया हुआ है, वो ना माइकल को कुछ भी नहीं बता रहा है। अब लूसिया कह रही है कि माइकल आपको घर पर रेस्ट करना चाहिए, और ट्रेवर और फ्रैंकलिन सारा रिस्क अपने सर के ऊपर रख रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग मारने के लिए जा रहे हैं। लेकिन नहीं गाइस यार, उनकी जान भी खतरे में है और मेरा भी फर्ज है कि मेरे को भी मिल करके ना उनके साथ फाइट करनी होगी और डगन और अन्ना को डिफीट करना होगा। अब मेरे को यार एक ट्राई करना होगा जाने का बॉडीगार्ड्स की तरफ, और जो भी अपनी गाड़ी है ना वो पूरी रेडी है, ट्रेवर और फ्रैंकलिन निकलने के लिए पूरे फुल रेडी हैं, और मैं ना यार ट्राई करता हूँ। वैसे ना मेरे को लग रहा है कि माइकल थोड़ा बहुत फाइट कर ही लेगा। अब जल्दी से मेरे को यहाँ से नीचे की साइड जाना होगा, और वो देखो गाइस, फ्रैंकलिन और ट्रेवर दोनों के दोनों मेरे को मना कर रहे हैं कि माइकल तू घर पर ही रह। लेकिन नहीं यार, ये दोनों ना मर जाएंगे भाई, सही बता रहा हूँ मैं। डगन के पास बहुत ज़्यादा पावर है। इस टाइम पर मैं अपने पैरों पर खड़ा तो हो चुका हूँ, और ये देखो, अरे यार मेरे को लगा कि माइकल सही है, लेकिन नहीं, गिर चुका है भाई माइकल। और ये देखो गाइस, मेरे को ना हार नहीं माननी चाहिए, और ट्रेवर मेरे को मना कर रहा है, फ्रैंकलिन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। यार अब मेरे को ना जैसे तैसे गाइस हमें तीनों को मिल करके फाइट करनी होगी। अब जिमी का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स को कहां पर लेकर जा चुका है। और ये देखो गाइस, माइकल ना फाइनली खड़े तो हो चुका है। वैसे रिस्क वाला बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि डॉक्टर ने मना करा हुआ है अपने को। अब एक काम करते हैं, फ्रैंकलिन और ट्रेवर को मैं बोल देता हूँ कि मैं भी चलूँगा यार। और ये देखो, ये दोनों के दोनों मेरे को मना कर रहे हैं। ड्राइवर तो कह रहा है कि मैं अकेले ही संभाल लूंगा, वेपन देख रहे हो उसके हाथ में AK-47 है भाई, कोई नॉर्मल गन नहीं है। और ये कह रहा है कि ये अकेले संभाल लेगा उन दोनों को, लेकिन माना करो भाई मैं भी चलूंगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मरेंगे इकट्ठे मरेंगे, लड़ेंगे इकट्ठे लड़ेंगे। और ये देखो, शायद से ना रेडी तो हो चुके हैं, तो मैं भी ना इनसे एक वेपन लेता हूँ, और बाहर की साइड अपनी पूरी फुल सिक्योरिटी है। वैसे तो गाइस इस टाइम पर हमने ना अपने वेपन्स वगैरह अपने हाथ में उठा लिए हैं, और ये दोनों लोग पता किस कंडीशन में अग्री हुए हैं मेरे को ले जाने के लिए। ये कह रहे हैं कि माइकल ना इनकी बात मानेगा और कवर में रहेगा, ये लोग मेन फाइट करेंगे, बस हम लोग इनको कवर करते रहेंगे। तो एक बार ना मेरे को बहाना चाहिए घर से निकलने का, तो मैं अग्री कर चुका हूँ इनकी कंडीशन को। और ये देखो, ट्रेवर कह रहा है कि बस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब जंग शुरू होने वाली है बहुत ज़्यादा तगड़ी। तो आप लोग क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जो लाइक एम है वो है पूरे 40,000 लाइक्स का। चैनल पर न्यू है, चैनल को भी जरूर से कर दो सब्सक्राइब, हम लोग 6,50,000 के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। जल्दी से जाओ गाइस सब्सक्राइब करो। और ये देखो गाइस, अपने बॉडीगार्ड्स भी पूरे फुल रेडी है, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग जा रहे हैं खतरनाक वाली फाइट करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो डॉक्टर है ना लॉस सैंटोस का, जिसने माइकल का ट्रीटमेंट करा था, उन्होंने बोल दिया था कि माइकल को ज़्यादा चलना नहीं है। और इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा बड़े वाला रिस्क ले रहा हूँ माइकल की लाइफ के साथ, क्योंकि अगर हम लोगों को कुछ हुआ तो माइकल को एक पैरालाइज अटैक आएगा, जिस कारण वो पूरी लाइफ हिल डुल नहीं सकता माइकल। तो देखो यार, इस टाइम पर ना हम लोग पूरे फुल रेडी हैं, और ये जो फाइट है बहुत ज़्यादा बड़े होने वाली है, क्योंकि ये देखो, डगन और अन्ना की लोकेशन पर हम लोग जा रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, और अपने बॉडीगार्ड्स भी पूरे बैठ चुके हैं अपने साथ, और हम लोग जा रहे हैं अपनी तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियों में। बस दिक्कत की बात यहाँ पर यह है, क्योंकि ना घर पर कोई भी नहीं है, अकेली लूसिया है। बाकी जिमी मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कहाँ पर लेकर के गया हुआ है अपने सारे फ्रेंड्स को। आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, लास्ट वाले वीडियो में जिमी गाइस यार कुछ ज़्यादा नेता बन रहा है, उसने ना अपने पॉलिटिशियन के साथ मिलकर करके खुद की एक ज्यादा तगड़ी गैंग सी खड़ी कर लिया है। बाकी यार अभी शुक्र करो उसको पता नहीं है, नहीं तो ना वो भी माइकल का साथ देने के लिए, डगन से फाइट करने के लिए आ जाता उसी जगह पर। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा उस लोकेशन पर। अब बाकी देखा जाएगा गाइस, जो भी होगा, आप लोग बस एक ही काम करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब करो। तो भगाते हैं अपनी गाड़ी को, चलते हैं सीधा एयरपोर्ट पर।
फाइनली गाइस इस टाइम पर मैं अपनी ना गाड़ियों को लेकर के पहुंच चुका हूं सीधा लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट के बहुत ज्यादा क्लोज। बाकी ना मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूं जिस करके रॉन्ग साइड पर ही आ चुका हूं, और यहां से अपने को जल्दी से आगे की साइड चलना होगा क्योंकि ना यार मेरा पूरा का पूरा दिमाग खराब हो रखा है। आपको पता ही है अगर आज वो दोनों अपने हाथ से निकल गए तो समझ लो वो फिर कभी भी अपने हाथ में नहीं आने वाले। अब जल्दी से यार इसको ओपन तो कर दो ना गाइस। और एक सेकंड यार इसको क्या हो गया ट्रेवर और फ्रैंकलिन को? ओके यार मैं समझ चुका हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि तू आगे मत रह बस इनके पीछे रह, क्योंकि इन्होंने जैसे अपने साथ डील करी है ना मैलू भी मेंशन में कि बस मैं इनको कवर करूँगा और मेन फाइट ये लोग करेंगे। तो ठीक है गाइस मैं ना जैसे तैसे इनका अभी के अभी कहना मानता हूँ, और जब फाइट होगी तो मैं अपनी पूरी फुल ट्राई करूँगा कि मैं इनसे आगे रहूँ और डगन और अन्ना की मैं गेम बजा दूँ। अब देखा जाएगा गाइस किसकी आज जीत होने वाली है। तो चलते हैं सीधा अपनी फ्लाइट पर। बाकी हमने ना एक जुगाड़ लगा रखा है, वो जो वेयर हाउस है वहाँ पर ना एक ट्रेवर के फ्रेंड ने कोई प्लेन का अरेंजमेंट कर रखा है। अब जल्दी से चलते हैं लेफ्ट साइड में जो वेयर हाउस है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा उस लोकेशन पर जो लूसिया ने हमें बताई है। वैसे तो इस टाइम पर देखो यार लेफ्ट साइड में ना रॉन है ट्रेवर का, आपको पता ही होगा एक फ्रेंड, उसने ना एयरपोर्ट पर लॉस सैंटोस के जुगाड़ लगवा दिया था दो दो प्लेन्स का, और यहाँ पर ये है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले प्लेन्स। तो देखा जाएगा गाइस जो भी होगा। तो फिलहाल अपने को ना अपनी कार्स को लेकर के चलना होगा सीधा इस वेयर हाउस के अंदर। तो चलो अपनी सिक्योरिटी गाइस अपने साथ है तो डरने की क्या ही बात है। और ये देखो गाइस मैं ना आगे की साइड चलता हूँ, ट्रेवर भी आगे की साइड जा रहा है, बाकी ना फ्रैंकलिन सिक्योरिटी को लेकर के आ जाएगा। तो ये दो प्लेन्स हैं तो मेरे को ना अकेले ये लोग बिल्कुल भी उड़ाने के लिए नहीं देने वाले, क्योंकि ट्रेवर ने ना गाइस बिल्कुल साफ साफ वर्डिंग में बोल दिया है कि माइकल तेरे को बस मेरे पीछे ही रहना है और हमें कवर करना है, ज़्यादा होशियार बनने की ट्राई नहीं करनी है तेरे को। तो जैसे तैसे यार मैंने एक्सेप्ट तो इनका ऑफर कर लिया है, लेकिन मौके पर देखा जाएगा मैं भी अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और ट्रेवर ने शायद से ना रोन से बातचीत तो कर ली है, और ये देखो गाइस इस टाइम पर ये मेरे पास आ चुका है और जो अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी है वो भी पूरी फुल रेडी है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना हम सब के सब इन प्लेन्स के अंदर चल करके बैठते हैं और चलते हैं सीधा युद्ध करने के लिए। तो देखो गाइस यार इस टाइम पर जो ग्रीन वाला अपना प्लेन है वो तो फ्रैंकलिन लेकर के जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अपनी सारी की सारी सिक्योरिटी जा करके बैठ चुकी है। तो ठीक है गाइस फ्रैंकलिन इस टाइम पर निकल रहा है इधर से, और बाकी ये वाला जो प्लेन है ना इसको ट्रेवर ड्राइव करेगा और मैं इसके साथ बैठूंगा। और रोन कह रहा है कि बेस्ट ऑफ लक गाइस, ये लड़ाई तुम ही लोग जीतना और टगन की गेम बजा देना। तो चलो यार अब जल्दी से ना चल करके मैं बैठ चुका हूँ इस प्लेन के अंदर, और ये देखो गाइस यार हम लोग पूरे बुलेट प्रूफ प्लेन लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखा जाएगा गाइस जो भी होगा। तो चलो गाइस इस टाइम पर हम लोग अपने प्लेन के अंदर तो बैठ चुके हैं, और जो फ्रैंकलिन है वो अपने एवेंजर प्लेन को लेकर के यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ पर ये जो ट्रेवर है ये इस प्लेन को निकल कर यहाँ से लेकर के जा रहा है। अब आपको पता ही है बुलेट प्रूफ वेपन्स है अपने पास, और अपने प्लेन भी बुलेट प्रूफ है, बॉडीगार्ड भी तगड़े हैं, तो शायद से चांसेस हैं कि हम लोग भी जीत जाएं। बाकी यार हमने ना अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म तो कर दिया है कि हम लोग फाइट में जा रहे हैं, वो लोग पहले मना कर रहे थे, कह रहे हैं कि अभी हम लोग जाएंगे, तो लेकिन उनको आने में टाइम लग जाएगा। जिमीना यार पता नहीं किस मीटिंग में उन्हें लेकर के गया है, तो हमें तीनों को ही जाना पड़ रहा है, तो ये डिसीजन हमने बना लिया है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना हम लोग अपने दोनों प्लेन्स को लेकर के यहाँ से चलते हैं सीधा टगन और अन्ना की गेम बजाने के लिए। तो चलो गाइस यार इस टाइम पर ना हम लोग फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जो अपने को लूसिया ने बताई थी डगन और अन्ना की लोकेशन के बारे में। और ये देखो गाइस ये एक डेजर्ट लग रहा है, और मेरे को ना कुछ घर नजर आ रहे हैं सामने की साइड में, और मैं सोच रहा हूँ ना अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड करवा देते हैं, और बाकी जो फ्रैंकलिन है वो भी ना मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर लैंड करवाते हैं। और ये जो एरिया है ना मेरे को पता नहीं गाइस बहुत ज़्यादा डेंजर सा क्यों लग रहा है, देख रहे हो यार हर तरफ ना रेगिस्तान है, और अपने ना जल्दी से इस प्लेन को जो भी भाई ये हेलीकॉप्टर है या जो भी प्लेन है इसको हम लोग यहाँ पर लैंड करवाते हैं, और बाकी हम लोग उतर करके ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। तो चलो मेरे साथ तो ट्रेवर था आपको पता ही होगा, और जो फ्रैंकलिन है, अरे अरे अरे, अरे एक मिनट ये देखो गाइस यार मैंने ना थोड़ी सी गलत जगह पर इसको लैंड करवा दिया था, और ये देखो गाइस ड्राइवर पूरा अलर्ट हो चुका है, और हम लोग ना पता नहीं कैसी सी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये रहा फ्रैंकलिन, और बाकी जो अपने बॉडीगार्ड्स हैं वो अंदर की साइड हैं, तो एक बार ना उनको भी मैं बोल देता हूँ बाहर आने के लिए। तो देखो गाइस यार इस टाइम पर जो अपनी सिक्योरिटी है वो प्लेन से तो उतर चुकी है, और आधे लोग ना ड्राइवर के साथ आगे की साइड गए हुए हैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन्हें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और मैं चलता हूँ थोड़ा आगे की साइड, और एक सेकेंड
ड्राइवर आ रहा है मेरे पास भाग करके, और एक मिनट वो देखो मेरे को ना विसल मार करके बुला रहा है, क्या हो गया इसके पास चल करके ना बातचीत करते हैं, क्या हो गया ड्राइवर तेरे को। और एक ओ भाई वो देखो पीछे की साइड ना मेरे को एक बंदा नजर आ रहा है, और अपने को ना अपने हाथ में गन रखनी होगी क्योंकि ये जो आइलैंड है आपको पता है डगन और अन्ना का आइलैंड है, और यहाँ पर हर तरफ रिस्क है, अपनी सिक्योरिटी है, ड्राइवर है, और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और ये देखो ये बंदा हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि है कौन, लेकिन चुपचाप से गाइस ये खड़े हुए हैं अपने सामने की साइड, और हम लोग इसके पास आ चुके हैं। और ये देखो ए इसने ना अपने नाइफ निकाल लिया हाथ में, मैं सही में बचा दूंगा गाइस, इसके मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लग तो हालत से रहा है कोई यहाँ ही रहता है शायद से। दे और अरे भाई भाग रहा है ये, रुक ट्रैवर इसको अभी हम लोग मारेंगे नहीं, हम लोग ना इसका पीछा करने वाले हैं, और ये देखने चलते हैं कि ये जा कहाँ पर रहा है। वैसे अगर ना गाइस सोच करके देखो ये डगन या तो अन्ना का बंदा होता तो इसके पास कुछ ना कुछ तो वेपन होता ना, छोटी सी पिस्टल भी होती इस पे, लेकिन नहीं ये किसी घर में घुस चुका है और अंदर खतरा हो सकता है। ये देखो गाइज ये यहाँ पर आकर के हाइड हो रहा है, रुक जा मैं सही में बता रहा हूँ तेरे को मैं मार दूँ, नहीं यार मार भी नहीं सकता, मेरे को ना कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ये देखो गाइज हम लोग ना इसको बहुत ज़्यादा रोकने के फुल ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये रुक नहीं रहा है, और ये ना एक तरह का शायद से विलेज है। ये देखो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा काऊ हैं, और अभी ना मैंने थोड़े बहुत पिग्स भी देखे थे और हैन भी है, और वो देखो गाइज ये भाग करके एक घर में जा करके घुस चुका है। और ये देखो ओल्ड वेस्ट कैफे है ये पक्का ना हम लोग किसी विलेज पर पहुंच चुके हैं, अपनी सिक्योरिटी सामने की साइड है और ट्रेवर मेरे को बुला रहा है, तो चलो चल करके चेक करते हैं कि अंदर की साइड क्या है। और एक मिनट मेरे को ना कुछ बंदे नज़र आ रहे हैं इधर, अपीना गाइस बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। और ये बंदा नशे में है क्या, ये देखो राइट साइड में ये बंदा नशे में नहीं है शायद से, ये बंदे डरे हुए हैं, और ये रहा शायद से वो बंदा। मैं यार मारने नहीं आया हूँ तेरे को, एक बार ना इससे आराम से ना चल करके बातचीत करते हैं। और मेरे को ना गाइज ये लोग दुश्मन नहीं लग रहे हैं पता नहीं क्यों, और इसने सरेंडर कर लिया अपने सामने। रुको मैं ना इसको समझाने की पूरी फुल ट्राई करता हूँ और इससे ना बातचीत करने की पूरी फुल ट्राई करते हैं। तो देखो गाइज यार इस टाइम पर ना मेरी इस बंदे से पूरी बातचीत तो हो चुकी है, और ये पता क्यों भाग रहा था, ये सोच रहा था कि हम लोग डगन की टीम से हैं, हम लोग इनको मारने के लिए आ रखे हैं। अब मैंने इसको बोला कि डगन को तू कैसे जानता है, तो ये कह रहा है कि जो आइलैंड है ना बहुत ज़्यादा सही हुआ करता था, कुछ टाइम पहले डगन ने इधर हमला करा और जितने भी यहाँ पर विलेजर्स थे उनको मार दिया, और ज़्यादातर ना इधर सब लोग बीमार ही चल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि तुम अगर डगन की तरफ से नहीं हो तो तुम बहुत ज़्यादा गलत जगह पर आ चुके हो। और चलो कह रहा कि अभी ना बंदे वगैरह दिखाता हूं मैं अपने चल करके, तो चलो गाइस अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं सीधा ऊपर की साइड, और उनके ना कुछ बंदे वगैरह बीमार हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ना बहुत ज्यादा लिमिटेड फूड है खाने पीने के लिए, तो चलो इस टाइम पर हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर एक रूम में। और ये देखो गाइस यार बहुत ज्यादा लोग यहां पर कैसी कंडीशन में है, कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और ज्यादातर तो बीमार मेरे को नजर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा गलत आ चुके हो क्योंकि ना उनके बंदे यहाँ पर आते ही होंगे। बाकी ना मेरे को इनके सिचुएशन देख करके बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है दिल से सही में। ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड फूड है और डगन ना गाइस पैसे के लिए क्या कुछ कर रहा है। और एक मिनट ये कौन जा रहा है, ओ भाई जैसा कि इन्होंने बोला था मेरे को ना जल्दी से ऊपर की साइड चलना चाहिए, एक गाड़ी नहीं है दो दो गाड़ियां आ रखी हैं इधर। ड्राइवर जल्दी से ना भाई मेरे पीछे की साइड आ जा, मेरे को पता है गाइस ड्राइवर के दिमाग का, ये बहुत ज़्यादा पागल इंसान है यार, कहीं अकेला ही जा करके उनको मारने लग जाए। और मैं आ चुका हूँ सीधा बाहर की साइड, और वो देखो सामने की साइड क्या चल रहा है, कुछ बंदे आ रखे हैं जो कि शायद से डगन के बंदे हैं, और सामने जो विलेजर्स हैं ना वो बेचारे हैंड्स अप करके खड़े हुए हैं, और वो देखो उनको पीटना शुरू कर दिया है। देखो गाइस यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उनके लिए, और ट्रेवर की शक्ल देखो गाइस इसका भी पूरा दिमाग ख़राब हो चुका है। और एक मिनट मैंने आपको बोला था ना यार ट्रेवर का दिमाग ख़राब हो गया, और ये अचानक से कूद करके जा रहा है आगे की साइड, और वो देखो सामने की साइड फाइट हो चुकी है, और हमने ना गाइस इस टाइम पर जितने भी बंदे हैं इनको मारना शुरू कर दिया है, और बेचारे विलेजर्स भी हैं सामने की साइड, इन बंदों ने ना उनको गन से ही शूट कर दिया है। और रुको यार इनको बचाना पड़ेगा, तो चलो तुम्हारे भाई ने ना जैसे तैसे इनके हेडशॉट तो बचा दिया है, और मेरे को लग रहा है कि एक आधा बंदा ये रहा इसको मारा और एक घर के अंदर है, इसके भी तुम्हारे भाई ने हेड बजाया और इसको भी बचा दिया हेड। और ये देखो गाइस दो बंदे इस साइड को हैं, और एक मिनट बचाना होगा, ऊपर की साइड है ठीक है, ये रहा इसके भी बचा दिया हेड। और ये देखो बहुत ज़्यादा बंदे हैं गाइस, इन दो कार्स में बंदे आए थे पूरे भर करके। और एक मिनट एक इधर है ना ये मर गया ना, हाँ गाइस ये मर चुका है, ड्राइवर ने भी जा करके सारे बंदे मार दिए हैं।
और वो देखो गाइस यार, जितने भी विलेजर्स थे वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, जो आपने देखा होगा ना हैंड्स अप वगैरह करके थे। अब थोड़ा सा ना आगे की साइड चलता हूँ, मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने सारे बंदे ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, अब कोई भी नहीं है बाकी ना। अब चलते हैं हम लोग सीधा अपने विलेजर्स के पास। और कौन फायर कर रहा है? ड्राइवर को लगा कि बंदा है शायद से। एक मिनट, कोई और भी है क्या? मेरे को लग रहा है कि और बंदे हैं शायद से। रुको यार, थोड़ा सा ना अपने को आगे की साइड चल लेना चाहिए। और वो देखो बाइक्स पर बंदे आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है गाइस गगन को शक तो नहीं हो गया, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है गाइस। लेकिन जो भी आ रहा है ना अपने सामने, इनको मारना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जा रहा ना एक बंदा, इसको ना जाने बिल्कुल भी नहीं देना हमें बाइक लेकर के। ये डगन के पास भी जा सकता है। ऑलमोस्ट गाइस हमने इसको डाउन कर दिया बाइक वाले को। और ये देखो ये बाइक लेकर के गाइस भाग ही रहा था, और उसी टाइम पर ट्रेवर और मैंने फायर करा। अब जल्दी से चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास। लेकिन एक मिनट, ये बंदा भाग करके आ रहा है, ये तो वही विलेजर है ना जो अभी उस घर के अंदर था। क्या हो गया गाइस इसको? ये भाई हमें ना कुछ कहना चाह रहा है, और ये कह रहा है कि तुमने ये काम क्यों करा है। एक तो हमने यार इधर थोड़ा बहुत जान बचाने की ट्राई करी लोगों को, उसके बाद भी ये कह रहा है कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया। जिन बंदों को मारा ये डगन के ही चेले थे। देखो गाइस यार सही में ये बंदा कह रहा है कि तुमने 10 या 12 बंदे मार दिए गिनती के, लेकिन इस टाइम पर वो 1000 या 2000 बंदे भेज देगा अगर उस तक बात पता चली। कह रहा है कि तूने 2-4 बंदे बचाने के चक्कर में हम सबकी जान दांव पर लगा दी है। लेकिन यार मैं इसको बोल रहा हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसके लिए हम आए हैं ना, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। और एक काम कर यार ट्रेवर, तू फ्रैंकलिन के पास जा, उसको बुला करके ला, और मैं ना इनको जा करके घर के अंदर समझाता हूँ। तो चलो गाइस, मैं सोच रहा हूँ ना फ्रैंकलिन, ट्रेवर और मैं, हम तीनों लोग ना चल करके डगन की गेम बजाएं, और बाकी जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना वो यहाँ पर हम लोग रखें इनकी प्रोटेक्शन के लिए। और ये देखो गाइस, अपने जो 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ये घर के पीछे आकर के खड़े हो चुके थे। तो चलो यार, इस टाइम पर मेरी सिक्योरिटी गार्ड से पूरी बातचीत तो हो चुकी है। मैंने इन 3 बंदों को समझा दिया है कि तुम सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वाले यहाँ पर रह करके इनको प्रोटेक्ट करना, और मैं, फ्रैंकलिन और ट्रेवर, हम लोग जाएंगे डगन के एरिया में, सर्च करेंगे और जा करके उनको किल करेंगे। बाकी वो देखो ट्रेवर भागता हुआ आ रहा है, पीछे की साइड फ्रैंकलिन भागता हुआ आ रहा है, और 3 अपने जो भी 3-4 बॉडीगार्ड्स हैं वो भागते हुए आ रहे हैं। तो ठीक है गाइस, अब जल्दी से ना बस मेन काम ये है कि हम लोग चल करके ना इन विलेजर्स को जा करके समझा देते हैं। तो चल यार ट्रेवर, सीधा ना अंदर की साइड चलते हैं, ये भी समझा देगा, मैं भी चल करके समझा दूंगा। बाकी यार आपने देख ही लिया ना, विलेजर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो देखो गाइस यार, इस टाइम पर ना हम तीनों के तीनों फुल रेडी हैं, और अंदर की साइड एक बार मैं आपको चल करके दिखा देता हूँ। ये देखो जितने भी अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना वो इन विलेजर्स का ध्यान रखेंगे। और ये देखो गाइस यार, ये लोग ना हाथ जोड़ करके बस यही इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बचा लो यार, हमें उनके हाथों से मरना नहीं है, जितनी भी लाइफ है इन्हें बढ़िया तरीके से जीनी है। तो ठीक है, अब हमारे पास ना एक आइडिया है, वो जो सामने की साइड गाड़ियाँ हैं ना 2, जिसमें डगन के बंदे आए थे, तो हम लोग ये गाड़ियां लेकर के चलने वाले हैं सीधा डगन की लोकेशन पर। और जो लोकेशन है वो इन बंदों से थोड़ी बहुत तो मालूम हो चुकी है अपने को। तो चलो अब जल्दी से मैं इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। और ये थी उस बंदे की डेड बॉडी, जिसको उठा करके तुम्हारे भाई ने फेंक दिया है, और अपने को ना थोड़ा सा एडवांटेज हो चुका है। देखो एक फ्रैंकलिन के पास गाड़ी है, एक ट्रेवर और मेरे पास है, और जिसके अंदर एक गन लगी हुई है। तो अपने को ना गाइस इधर से ना एक माइन में जाना है, इनको थोड़ा बहुत पता है, प्रॉपर पता नहीं है, अपने को ना एक माइन के अंदर जाना है जहां पर डगन और अन्ना का पूरा फुल बेस है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो लोकेशन है कहाँ पर और कितनी ज़्यादा दूर है। बाकी सही में गाइस, ये जो रेगिस्तान है ना भाई, बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो चलो गाइस यार, इस टाइम पर ना हम एक रास्ते पर आ चुके हैं, जहाँ पर जो गांव वाले हैं ना उन्होंने अपने को थोड़ी बहुत एस्टिमेट लोकेशन बताई थी। हम लोग बिल्कुल उसी रास्ते पर हैं, और ये देख रहे हो हर तरफ ना भाई बहुत ज़्यादा शांति है। और फ्रैंकलिन आगे की साइड है, मैं और ट्रेवर पीछे की साइड है, लेकिन इसको क्या हो गया? और एक मिनट, अरे अरे भाई, भाई 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 भाई, सामने की साइड ना बहुत ज़्यादा बंदे हैं। वो देखो, मैं ना अपने मोबाइल से आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यार, ये शायद से ना डगन के बंदे हैं। और कुछ मेरे को ट्रक्स नज़र आ रहे हैं इधर उधर, और जैसा कि गांव वालों ने बोला था ना, जो भी विलेजर्स हैं, कि माइनिंग का काम है, तो पक्का गाइस ये माइनिंग के ही ट्रक्स मेरे को लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अभी नहीं फाइट करेंगे, थोड़ा सा ना पीछे की साइड चल के फिर आगे की साइड लेकर के जाएंगे, और ट्रेवर ये जो मशीन गन है ये बजा देगा इनके। तो ठीक है गाइस, फ्रैंकलिन बिना अपने ट्रक में जा करके बैठ चुका है, और उसका जो ट्रक है
उसने यार इसके अंदर रख दिया था उसको, भाई क्या ही जगह थी छुपाने की। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना हम लोग करते हैं सीधा इनके ऊपर अटैक। और ये देखो गाइस ट्रेवर ने ना भाई इनकी गेम बजाना शुरू कर दिया है, और जितने भी बंदे हैं, ओ भाई एक मिनट, ये इन्होंने ना स्टॉपर वगैरह लगा रखा है, तो ठीक है बजाया इनको। अब जल्दी से ना ट्रेवर ने मेरे को बोला था कि मेरे को ना पीछे रह करके ही फाइट करनी है, तो मैं थोड़ा बहुत पीछे रहूंगा और कुछ बंदे हैं ना इनको चल करके मारते हैं। यार देखो गाइस यार यहाँ पर ना ट्रेवर क्या काम कर रहा है, आरपीजी बरसाना शुरू कर चुका है इनके, और कुछ बंदे, ओ भाई वो देखो ऊपर की साइड कुछ बंदे हैं और बंदे बहुत ज्यादा यार। और ट्रेवर के पास जब मैं आगे की साइड जा रहा हूँ ना गाइस, वो मेरे को इशारा करके कह रहा है कि नहीं माइकल तू पीछे की साइड रह, हमें फाइट करने दे। रुको गाइस ऐसे कैसे, मेरे भी दुश्मन है इनके भी दुश्मन है, और ऊपर की साइड देखो यार ऊपर ना बहुत ज्यादा बंदे लग रहे हैं मेरे को, और वो देखो एक आधे के मैंने हेडशॉट बजा दिया है। देखो गाइस यार यहाँ पर थोड़ी सी और बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, ये देखो बंदे आ गए हैं बहुत ज्यादा, और एक काम करते हैं हम लोग ना इनको मारने की ट्राई करते हैं। और देखो गाइस कितनी ज्यादा लाशें बिछा दी हैं हमने, और एक आधा इधर है, और ये कहाँ जा रहे हैं। और ये देखो फ्रैंकलिन और ट्रेवर दोनों के दोनों आगे की साइड जा चुके हैं, और मेरे को एक काम करना पड़ेगा, इनकी गेम बजाता हूँ इधर से मैं इनको कवर करता हूँ। तो चलो वो देखो भाई फ्रैंकलिन की गाड़ी अटक चुकी है, अब मेरे को एक काम करना चाहिए, जो अपने दूसरा व्हीकल था ना मैं उस तक पहुंचता हूं और उसको लेकर के आता हूं जल्दी से। अरे यार बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम है, और एक सेकंड ब्लास्ट हुआ बहुत ज़्यादा तगड़े वाला ऊपर की साइड, कहीं फ्रैंकलिन और ट्रेवर की गाड़ी तो ब्लास्ट नहीं होगी है, मेरे को ऐसे ही लग रहा है। और एक काम करता हूं यार वो जो ट्रक है बहुत ज़्यादा दूर है यार, आपने देख ही लिया होगा कितना ज़्यादा खतरनाक वाला सीन यहाँ पर चल रहा है। अब जल्दी से ना मैं इस ट्रक के अंदर तो बैठ चुका हूँ, और इस ट्रक को पूरी फुल स्पीड में मैं भगा करके चलता हूँ ट्रेवर और फ्रैंकलिन के पास। मेरे को लग रहा है ना ऊपर बहुत ज़्यादा शांति हो चुकी है, अरे यार मेरे को लग रहा है कहीं बेचारे वो दोनों के दोनों मर ना गए हों। रुको यहाँ पर कुछ बंदे हैं, ठीक है बजा दिया मैंने इनको भी, अब चलते हैं सीधा आगे की साइड, कुछ फायर के साउंड आ रहे हैं, ये देखो दो बंदे इधर हैं। अरे नहीं 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 ये ट्रक कितना ज़्यादा बेकार है यार, रुको यहाँ से घुमा करके जैसे तैसे मैं आगे की साइड तो आ गया हूँ, ठीक है अपने फ्रेंड्स तो पूरे सही हैं यार, और यहाँ पर दो तीन बंदे मार दिए हैं। रुको गाइस इनको अब आने दो, इसके बजाय और एक, ओ भाई ये कब उठ गया, ठीक है इसको बजा दिया, और एक सामने की साइड है इनको सबको मार दिया है, ठीक है यार बहुत ज़्यादा सही। चलो गाइस इस टाइम पर मैं आकर के ना गाड़ी में बैठ चुका हूँ, और ऑलमोस्ट ना हमने सारे बंदे यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। और देख रहे हो गाइस जो डगन है उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रखा है, बहुत ज़्यादा बंदे इधर हैं, इनके पास बहुत तगड़े तगड़े वेपन्स हैं, और सुनने में तो आया है उन विलेजर्स से कि इनके पास माइन वगैरह भी है। तो चलो अभी ना हमें अपने ट्रक्स को लेकर के ना इस रास्ते को फॉलो करते करते आगे की साइड जाना होगा, एक चेक पॉइंट दिखा था वहाँ पर कुछ बंदे थे, और मेरे को लग रहा है ना गाइस आगे की साइड और भी ज़्यादा बंदे हो सकते हैं, या तो सीधा माइन दिख जाए। बाकी ना हम लोग चल रहे हैं सीधा आगे की साइड रास्ते पर, और ये देखो गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा आइलैंड है यार, ये पूरा का पूरा डेजर्ट ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो चलो अब जल्दी से यहाँ से ना हम लोग अपने इन दोनों गाड़ियों को यहाँ से लेफ्ट की साइड मोड़ते हैं, रास्ता गाइस ख़त्म होने पर ही नहीं आ रहा है, देख रो सीधा का सीधा रास्ता जाते ही जा रहा है जाते ही जा रहा है। और अब भी तो मेरे को लग रहा है ना रास्ते की हमने शुरुआत करी है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक मेरे को माउंटेंस वगैरह नज़र आ रहे हैं। अरे यार पूरी फुल स्पीड में ना भगाता हूँ अपने इन ट्रक्स को, और आ रहे हो ना फ्रैंकलिन और ट्रेवर, ये देखो गाइस वो मेरे पीछे हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ये लोग ना मेरे को फाइट करने दे ही नहीं रहे थे, दोनों लोग आगे की साइड जा करके खुद लड़ रहे थे। और एक मिनट यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न वाला रास्ता आ चुका है यार, अब यहाँ से लेफ्ट जाना है या स्ट्रीट जाना है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेफ्ट में तो रास्ता ही बंद है भाई। ठीक है यार एक बार ना हम लोग थोड़ा सा आगे की साइड चल करके चेक कर लेते हैं हम लोग, मेरे को लग रहा है माइन पहुँचे तो नहीं है ना। नहीं 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 गाइस ये देखो ये तो पूरा फुल पानी है गाइस, चलो अपने को इसका मतलब सीधा आगे की साइड जाना होगा, बहुत ज़्यादा सही। बाकी देखो यार अपने जो बॉडी गार्ड्स हैं ना आई होप अपने विलेजर्स को पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो बेचारे बहुत ज़्यादा शरीफ हैं सही में। तो चलो गाइस अब भगाते हैं अपने इन दोनों ट्रक्स को और चलते हैं सीधा माइंस की तलाश में। वैसे तो ना इस टाइम पर ड्राइव करते करते घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, और एक सेकेंड मेरे को ना सामने की साइड एक छोटा सा टाउन नज़र आ रहा है शायद से, और ऊपर की साइड देखो कुछ डिश वगैरह उसके ऊपर घूम रही हैं और कुछ गाड़ियाँ हैं, इसका मतलब गाइस समझ रहे हो बंदे हो सकते हैं आगे की साइड बहुत ज़्यादा। ट्रेवर फ्रैंकलिन दोनों के दोनों अलर्ट हैं, और मैंने इनको बोल दिया है कि ठीक है मैं तुम्हारे पीछे ही रहूँगा लेकिन फाइट बराबर की करेंगे हम लोग मिल करके। तो चलो थोड़ा सा ना और आगे की साइड चलते हैं, और यहाँ पर ना गाइस बंदे हो सकते हैं कहीं ना कहीं, और ज़्यादातर तो शटर वगैरह ना इसके लगे हुए हैं ये देखो। और वो एक मिनट लेफ्ट साइड में एक
रूम है जिसके अंदर तीन बंदे हैं, ये देखो 1 2 3 है ना। अब वहाँ पर कुछ पीसी पड़े हुए हैं, बाकी मेरे पास ना एक अच्छा आइडिया है, अगर हम तीनों लोग इनको बचा दें, ठीक है 3 2 1 पे बजाएंगे, 3 2 1। चलो गाइस, इस टाइम पर ना हम तीनों लोग ने तीन बंदे बचा दिए हैं। देखने में तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये एक सर्वर रूम है शायद से, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीसी पड़े हैं, ऊपर की साइड कुछ डिश वगैरह घूम रही हैं। इससे पहले कि कुछ और बंदे आए, हमें शायद से ना यहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है। वैसे तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर ना ट्रेवर और फ्रैंकलिन पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उस माइन की लोकेशन मेरे को लग रहा है अपने को यहाँ से मिल सकती है शायद से। ये देख रहे हो फ्रैंकलिन ना हर एक बटन को प्रेस करके देख रहा है कि कुछ उसको पता चल जाए, और कुछ डिवाइसेस वगैरह रखे हुए हैं, पता नहीं गाइज यहाँ पर कुछ मोबाइल फ़ोन के बॉक्सेस हैं और लैपटॉप वगैरह है कुछ ना कुछ। तो गाइज यहाँ पर एक फ़ाइल खुल रखी है, ये देखो गाइज इस पीसी के अंदर ना एक फ़ाइल ओपन है। अब फ्रैंकलिन इसको एक बार ना चलाने की ट्राई कर, और मेरे को लग रहा है ना गाइस शायद से हमें यहाँ से कुछ सबूत वगैरह मिल सकते हैं, मेरे को तो कुछ ऐसा लग रहा है। तो चलो मैं और ट्रेवर बाहर के साइड चल करके ना थोड़ा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि गाइस बंदे कहीं से भी आ सकते हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा और ये एक छोटा सा टाउन है। बाकी फ्रैंकलिन अपना काम कर रहा है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं ट्रेवर और माइकल को इधर उधर अलर्ट हो करके खड़े हुए हैं। लेकिन एक सेकेंड, ट्रेवर को बुला रहा है, क्या हो गया इसको? और सामने की साइड देखो फ्रैंकलिन भी क्लैपिंग वगैरह कर रहा है और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। जल्दी से चलता हूँ इनके पास, मेरे को लग रहा है ना फ्रैंकलिन को कुछ तो पता चला। और ये देखो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये लोग हग कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है ना गाइज इनके हाथ को ये लोकेशन लग चुकी है, शायद से वो माइन की भी लोकेशन हो सकती है या तो कुछ और लोकेशन हो सकती है। तो फ्रैंकलिन और ट्रेवर आपस में डिस्कशन वगैरह कर लेंगे, और मैं ना थोड़ा बहुत बाहर की साइड चलता हूँ, क्योंकि ना इधर यार बहुत ज़्यादा डेंजर वाला सीन हो सकता है। हमने बंदे तो मार दिए हैं, ऊपर की साइड देख रहे हो शायद से इनका पूरा का पूरा कंट्रोल रूम था। तो मैं काम करता हूँ गाड़ियों में बैठते हैं चल करके, और यहाँ से ना हम लोग सोच रहे कि कोई और गाड़ियाँ उठा लें। ये देख रहे हो इन वाली कार्स में चल करके बैठते हैं, और ये मेरे को कुछ ज़्यादा तगड़ी लग रही है। और वो देख रहे हो गाइज सामने की साइड ट्रेवर क्या काम कर रहा है, इनके पूरे सर्वर वाला जो रूम है ना उसको पूरा ब्लास्ट करेगा क्या ये? मेरे को तो गाइज कुछ ऐसा ही लग रहा है। और एक काम करते हैं, यहाँ देख रहे हो गाइज इसने ना पूरा सर्वर रूम ही ब्लास्ट कर दिया है। अब गाइज हमें शायद से पूरी लोकेशन मालूम पड़ चुकी है उस माइन की। अब फ्रैंकलिन के जस्ट अपने को पीछे पीछे जाना है, और ये लोग ना अपने को उस लोकेशन पर ले जाएंगे। अब देखो गाइज यार इस टाइम पर ना हम लोग बहुत ज़्यादा आगे की साइड तो आ चुके हैं, और जितना हम लोग माउंटेन को चढ़ करके आ गए हैं उतना वेदर क्लियर हो चुका है। और ये देखो गाइज हम लोग ऑलमोस्ट फ्रैंकलिन कह रहा था कि पहुँचने ही वाले हैं, और ये जो एरिया है ना अपने को बस इधर से चढ़ाई करनी है ऊपर की साइड, और माइन पर हम लोग पहुँच जाएंगे। अब खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है ऊपर की साइड। और चलो चलो भाई यार इस टाइम पर मैं, ट्रेवर और फ्रैंकलिन हम तीनों लोग इस व्हीकल को लेकर के पहुँच चुके हैं। बाकी गाइज ये एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सामने की साइड, और ये देखो गाइज बहुत ज़्यादा बंदे हैं इधर। तो मेरे को एक काम करना होगा अभी ना गाइज, इधर हमें उतरना नहीं है बिल्कुल भी। 2-4 बंदों को हम लोग पहले मारते हैं और फिर रुकते हैं भाई। ठीक है। ट्रेवर और फ्रैंकलिन तुम लोग पूरे के पूरे अलर्ट रहना, और मैं अपनी ये वाली गन लेता हूँ। और ठीक है गाइज इसके बजाया मैंने इसके हेड बजाया, और इसको भी बजाते हैं। बाकी 2-3 बंदे तो मैंने इस टाइम पर मार दिए हैं। रुको यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनका मशीन गन पे तुम्हारा भाई बैठ चुका है। अब जल्दी से ना इन्हीं की गन लेकर के इन्हीं की गेम बजा दी है। अब आ रहा है कोई? देखो गाइज बहुत ज़्यादा गंदा तो इनको पीट दिया है मैंने। अरे एक सेकंड, ड्राइवर गिर चुका है भाई। ठीक है ड्राइवर सेफ है। और ये देखो गाइज ड्राइवर ने पूरी की पूरी तबाही मचाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। फ्रैंकलिन भी अपने साथ है, ट्रेवर भी अपने साथ है, तो डरने की क्या ही बात है। तो चलो अब जल्दी से ना अपने को आगे की साइड चलना होगा। बाकी अभी तक तो ना मेरे को एरिया पूरा क्लियर सा लग रहा है। और पीछे रुको फ्रैंकलिन है, आ रहा है यार फ्रैंकलिन और ट्रेवर। हम ना तीनों लोग आगे की साइड जाते जा रहे हैं। ठीक है यार हम तीनों जा रहे हैं। देखो गाइस यार अगर आज डगन मिल गया ना यहाँ पर उसको तो मरना पक्का है ही आज, पूरी ना गंदी गेम बजा देंगे। और वो देखो वो फ्रैंकलिन को मार रहा था, उसका ध्यान नहीं पड़ा फ्रैंकलिन का बिल्कुल भी। और एक मिनट मेरे को ना इन्हें कवर देना पड़ेगा। तो चलो अब जल्दी से ना मैं इनको मार रहा हूँ। ट्रेवर जल्दी के साइड पीछे आ यार, पीछे आ जा भाई जल्दी पीछे आ जा। और ये देखो भाई इनको पूरा ना हम लोग गंदे तरीके से मार रहे हैं, और ये क्या हो रहा है? वो लोग अपने ऊपर स्टिकी बॉम्ब फेंक रहे हैं। चलो मारा, और कुछ बंदे ऊपर की साइड हैं, बजाते हैं इन्हें। चलो ना निकलो इधर से, वेस्ट वगैरह डाल रखी है हमने। और ये देखो क्या गंदी इनकी गेम बजा रहे हैं हम लोग, बंदे बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे को ना एक सेकंड सामने की साइड ना कुछ गोल्ड लग रहा है, देख रहे हो बहुत ज़्यादा गोल्ड है यार इधर तो। रुको 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 रुको, यहाँ पर कुछ बंदे हैं, 1 2
तीन चार चार हेडशॉट तुम्हारे भाई ने लगा दिए हैं इनके बड़े गंदे वाले। और है क्या कोई, मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट मार दिए, लेकिन वो पीछे की साइड एक बंदा है उसको मारा और इधर भी इसको हमने मार दिया। तो ठीक है यार, बहुत ज़्यादा सही, एक आधा बंदा इधर है, इसको भी बचाया है। बस मेन तलाश तो अपने को डगन और अन्ना की है, वो कहाँ पर हो सकते हैं, उनका मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और ये फ्रैंकलिन आगे की साइड चल रहा है, चल भाई फ्रैंकलिन मैं तेरे को पूरा कवर करूंगा। और कोई ये रे बंदे, और एक मिनट फ्रैंकलिन भाई बच गया, मेरे को लगा कि वो गिर गया। नहीं 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 ठीक है, ट्रेवर और फ्रैंकलिन आगे की साइड जा रहे हैं और ऑलमोस्ट हम लोग ना इससे टनल के पास पहुंच चुके हैं। भाई कैसी गुफा है यार, ये ख़त्म होने का नाम ही ले रही है। और ये देखो एक बंदा इधर था, इसको हमने मार दिया है। और फ्रैंकलिन मत जा यार आगे, कुछ हो जाएगा भाई तेरे को, अकेला भागता जा रहा पूरे फुल गुस्से में, देख रहे हो। अरे फ्रैंकलिन रुक जा भाई, नहीं यार ये रुकने की इस टाइम पर मेरे को लग रहा है रुकेगा ही नहीं है। और ये अकेला जा रहा फाइट करने, लेकिन बंदे हो रहे, और एक मिनट उस बंदे ने फ्रैंकलिन के गन बजा दिए है। ओ भाई मैं कह ही रहा था फ्रैंकलिन को कि मत जा यार। और ये देखो गाइस, फ्रैंकलिन के गन बज चुकी है और इसने भी उस बंदे को मार दिया। रुक भाई ट्रेवर, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया है। देखो गाइस इस टाइम पर ना फ्रैंकलिन की हालत ठीक नहीं है और पीछे से ना बंदे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ट्रेवर को मैंने बोल दिया कि फ्रैंकलिन को ना उठा करके थोड़ा बहुत साइड में कर दे यार। वो देखो गाइस ट्रेवर ना उसको उठाने की पूरी फुल ट्राई कर रहा है और यहाँ से कुछ बंदे आ रहे हैं, मेरे को ना इनको मारना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, मैंने इनके ऊपर स्पैम तो कर दिया है। और ये देखो गाइस ट्रेवर ने फ्रैंकलिन को उठा लिया है। और एक काम कर यार, ट्रेवर फ्रैंकलिन को ना साइड में ले जा करके बिठा दे आराम से, क्योंकि ना गाइस उसके पैरों पर लग चुकी है एक बुलेट जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चलो यार फाइनली इस टाइम पर मैं ना अपनी गन को लेकर के आगे की साइड जा रहा हूँ। और वो देखो ट्रेवर भी ना भाग करके पहुँच गया, और वो देखो गाइस बंदे भी हैं इधर। एक मिनट, अब ना चल करके इनकी ऐसी गेम बजा दूंगा ना मैं। और बहुत ज्यादा बंदे हैं ट्रेवर, बहुत ज्यादा बंदे हैं गाइस इधर, तो ऐसा इनके स्प्रे मार रहे। लेकिन एक सेकंड, ठीक, ओ भाई ये अन्ना आ गया है। ठीक है मैं समझ चुका हूँ भाई ये क्या ड्राइव कर रहा है बाइक को। ठीक है जल्दी से मारता हूँ। अरे अरे भाई भाई भाई, भाई नहीं, एक सेकंड, मेरी हालत बहुत ज्यादा पहले ही खराब है। ट्रेवर अगर अब ही आएगा ना इसके ऊपर ऐसा फायर करेंगे ना गंदे वाला। ठीक है अब पहले ना इनकी गेम बजाता हूँ, चलो ना निकलो इधर से। और कहाँ है ये रहा, ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, इसके ना एक भी गोली टच नहीं हो रही है, पक्का आर्मर वगैरह डाल करके आया है ये। ये देखो क्या गंदा इन्हें मार रहे हैं, और इसके ना पूरे बाइक वगैरह को, भाई बुलेट प्रूफ बाइक नहीं मैंने देखी कभी। वो देखो गाइस क्या ड्राइव कर रहा है बाइक को, भाई क्या कर रहा है यार ये। अब इसके ऐसे गन बजाऊंगा, इसकी बाइक वगैरह पूरी ब्लास्ट करने की ट्राई करूंगा। और चल ना इधर से भाई, नहीं 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 नहीं, कटर लगे हुए हैं उसकी बाइक में, भाई पागल हो चुका है यार। वो देखो वो सामने की साइड से भाग गया है, अपने को भी ना जल्दी से चलना होगा, आज इसको नहीं मैं छोड़ने वाला, इसको ना यार भागने बिल्कुल भी मैं नहीं देने वाला। और ये देखो गाइस ये जा रहा है, एक सेकंड यार, उसने ना कोई वेस्ट डाल रखी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मेरे को कुछ बाइक्स नजर आ रही हैं, अब जल्दी से ना इन बाइक्स को लेकर के यहाँ से पूरी फुल स्पीड में अपनी बाइक को भगाता हूँ। जल्दी से ना हमें उसको पकड़ना होगा, ड्राइवर पीछे की साइड है, मैं अपनी इस वाली बाइक पर जा रहा हूँ। और ये देखो ये कहाँ जा रहा है भाई, और एक सेकंड आगे की साइड रास्ता ब्लॉक है क्या। नहीं भाई, उसकी जो बाइक है ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार। और ये देखो भाई ड्राइवर पीछे की साइड ठुक चुका है। और एक मिनट, मेरे को ना जैसे तैसे अन्ना को पकड़ना होगा। और ये मेरी बाइक कहाँ हवा में है, नहीं भाई भाई बच गया। और ये देखो, अरे नहीं यार वो कैसे बच गया यार, रुको मैं किस वाले रास्ते पर आ चुका हूँ यार। ड्राइवर फायर कर रहा है, ठीक है मेरे पास ना इस टाइम पर यार जो पिस्टल है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये जा रहा है, इसको बिल्कुल भी ना हम लोग जाने नहीं देंगे, इसने ना वेस्ट वगैरह डाल रखी है। लेकिन आराम से अरे अरे भाई नहीं माउंटेन से मेरे को नीचे की साइड नहीं गिरना है। और ये देखो मैं इसको ना रोकने की ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं, ओ भाई अबे यार बहुत ज़्यादा पूरा सीन हो चुका है। ये देखो वो पूरी बाइक भगा करके जा रहा है, एक काम करते हैं जल्दी भगा ड्राइवर, जल्दी भगा बाइक को। और इस टाइम पर देखो भाई अब हम लोग उसको नहीं छोड़ने वाले, ये जा रहा है ना कहाँ तक जाएगा आपको बच करके दिखा दे यार। अब यहाँ पर एक बार देखो गाइस, अन्ना जा रहा है बाइक लेकर के, पीछे ट्रेवर है और उसके पीछे मैं हूँ। देखो मेरी जो पिस्टल है ना वो तो पूरी ख़त्म हो चुकी है, और आज ना ये बहुत ज़्यादा बुरे वाला फंस चुका है, और वो जम करवा चुका है अपनी बाइक की। और यहाँ पर ड्राइवर ने भी करवा दिया है, मैंने भी करवा दिया अपनी बाइक से जम। और आज तो बेटा तू गया, आज मैं तेरे को ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और एक मिनट, नहीं भाई एक सेकेंड, मेरी जो बाइक है ना पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन बढ़िया बात पता क्या है, हम लोग ना अगर गिरेंगे तो मिट्टी में गिरेंगे, इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। और कहाँ गया यार, मेरे को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और वो जा रहा है,
ठीक है यार, हम लोग ना आज को जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाले। भाग यार, तू जहाँ तक भाग रहा है ना उधर तक मैं तेरे को मारने आऊंगा, और देखते हैं गाइस कहाँ तक ये भागेगा। और मेरे पास पिस्टल होती है ना, मैं सही में अभी बजा देता यार इसके। देखो गाइस, इस टाइम पर ना ट्रेवर और मैं अपनी अपनी बाइक्स को लेकर के अन्ना का पीछा कर रहे हैं, और वो बिल्कुल इसी लोकेशन पर गया था। और एक मिनट, वो देखो सामने की साइड हमें अन्ना नजर आ चुका है। और ये देखो पक्का ना इसका बाइक खराब हो चुका है, ये देख रहे हो गाइस। मेरे पास गाइस गन नहीं है, नहीं तो मैं गन बजाता इसके। और देखो डर चुका है ना ये। ट्रेवर रुक जा, अभी इसको नहीं मारेंगे। लेकिन एक मिनट, इसको क्या हो गया भाई, क्लैप क्यों कर रही है इधर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये चीज। अन्ना इस टाइम पर बोल रहा है कि अगर तुम मेरे को मारोगे तो तुम्हारा फ्रेंड भी मारा जाएगा, और वैसे भी आज तुम तीनों मरने वाले हो। और एक मिनट, ये देख रहे हो गाइस, ये एक जीप आ चुकी है और इसके अंदर फ्रैंकलिन है। अबे यार, ये तो डगन का पर्सनल बॉडीगार्ड है ना, और इन्होंने फ्रैंकलिन को पकड़ा उस माइन से। ये दोनों लोग इधर हैं, मेरे को लग रहा है कि पक्का डगन भी यहीं कहीं होगा। और ये देखो ट्रेवर ने एम कर लिया, कह रहा है कि मेरे को कोई भी चिंता नहीं है, मैं तो तुझे को मारूंगा। और ये देख रहे हो गाइस, एक टैंक आ चुका है और उसके अंदर डगन बॉस है। अबे भाई, ये तीनों लोग अपने सामने हैं और हम तीनों लोग इनके सामने हैं। और ये देखो, इसने मेरे ऊपर एम कर लिया है, और एक सेकंड ड्राइवर के बचा दिया इसने, और इस टाइम पर इसने मेरे भी एक शॉट बचा दिया है। पे यार, ये देखो गाइस यार, इस टाइम पर तीनों के तीनों के शॉट बजा हुआ है लात के ऊपर। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि माइकल का एंड हो सकता है, या तो एंड हो ही चुका है माइकल का। देखो गाइस यार, अभी डगन आया मेरे पास टैंक से उतर के, इसने मेरे दो तीन लात बजाई है रख करके, और कह रहा है अब खड़े हो, दम नहीं है क्या तुम में खड़े होने का। और देखो गाइस, माइकल पूरी फुल ट्राई कर रहा है खड़े होने की, लेकिन नहीं यार, गोली बजी है तीनों की लात पे। और यहाँ पर फाइनली माइकल खड़े हो चुका है। और एक सेकेंड, ये क्या हो गया माइकल को खड़े होते ही, देख रहे उसको ना सर में बहुत ज़्यादा जोरों से दर्द हो रहा है। और मेरे को लग रहा गाइस अब हम लोग ख़त्म है भाई, एंड आ चुका है हमारा। और ये देखो गाइस, ट्रेवर भी जख्मी है, माइकल भी, और फ्रैंकलिन भी जख्मी है भाई। और एक सेकंड, ये क्या हुआ है, ओ भाई ये हुआ क्या है यार, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कुछ। लेकिन एक मिनट, अरे अपना माइकल गिर चुका है और फ्रैंकलिन भी इधर गिर गया है। और एक मिनट, कोई आरपीजी मार रहा है भाई दबा दबा करके, मेरे को लग रहा है ना कुछ तो हुआ है भाई। वो देखो आरपीजी डगन के मारने की पूरी फुल ट्राई करी, लेकिन यार मेरे को उठना होगा जल्दी से। नहीं, अरे यार वो कह रहा है, मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। अरे यार वो देखो, अरे नहीं माइकल जल्दी से खड़े होना होगा मेरे को, मेरे को नहीं समझ आ रहा है भाई हुआ क्या इधर। पता नहीं भाई जो भी हुआ, लेकिन बढ़िया हुआ सबसे पहले ना मेरे को ना ट्रेवर की गन मिल गई थी। और ये देखो, ये अन्ना ये मर चुका है, मेरे को बचाया किसने। लेकिन एक सेकंड, ये कौन आ रहा है, मैंग तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, तू कैसे आ गया इधर? भाई मैं तेरे घर गया था और वहां से मुझे पता लगा कि तू यहाँ आया है। अरे बहुत ज्यादा शुक्रिया, मेरा एंड हो गया था इधर, अगर तू ना आता मैं सही में खत्म हो जाता आज। मैं सही टाइम पे तो आ गया ना, बढ़िया टाइम पे है, तूने मेरी जान बचाई। गाइस जल्दी से जाओ कमेंट्स में BBOP स्पैम कर दो, और यहाँ पर देखो गाइस, अगर ये ना होता तो आज तो तुम्हारे भाई का एंड हो जाता। और फ्रैंकलिन जख्मी है, ट्रेवर जख्मी है, और अन्ना इस टाइम पर खत्म ही कर दिया इसने। तू ट्रेवर को देख, मैं फ्रैंकलिन को देखता हूँ। चल ठीक है, कोई व्हीकल कैसे आया कैसे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा तू आया कैसे। मैं प्लेन लेकर आया था, प्लेन लेकर और पैराशूट से आया हूँ मैं तेरे पास। तूने मेरा सबसे बड़ा दुश्मन खत्म कर दिया, ये देख रहे हो गाइस, इसने तो इसकी गेम बजा करके रख दी है। मैंने डगन को भी मारने का ट्राई किया था, पर डगन तो बच के भाग गया है। अबे यार डगन निकल गया, मेरे को लगा कि वो टैंक में जा रहा है, लेकिन उसी टाइम तूने आरपीजी मार दी शायद उस पे। तू टेंशन ना ले, तू इन्हें उठा, मैं बाइक से देख कर आता हूँ उसके पास में, मैं भी इसके बजाऊंगा गन अन्ना के। देखो गाइस, अन्ना का एंड हो चुका है, और फाइनली बहुत ज़्यादा तगड़ा दुश्मन था, ख़त्म कर दिया हमने इसको। और अगर आज बीबी ना होता ना तो सही में गाइस ख़त्म ही थे हम लोग। देखो यार, मैंने इसके गन वगैरह बजा दिया है, और अभी ना मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करा है, मैंने उनको अपनी लोकेशन के बारे में बताया, और वो लोग जस्ट पहुंचते ही होंगे। और शुक्र करो गाइस, अगर बीबी गेमिंग नहीं आया होता ना तो सही में आज तो अपना एंड था, मैं ये तीन चार बार बोल रहा हूँ। और एक सेकंड, कोई हेलीकॉप्टर आ गया है, और अपना प्लेन यहाँ पर आ चुका है गाइस, जिसके अंदर अपने सारे के सारे बॉडीगार्ड्स हैं। चलो गाइस, इस टाइम पर ये यहाँ पर लैंड हो गया है, और अपना ना मेन काम पता क्या है, इनको हॉस्पिटल लेकर के जाने का, फ्रैंकलिन और ट्रेवर को। और ये देखो गाइस, माइकल के वापस से सर में दर्द हो रहा है, और अपना एक बॉडीगार्ड आ चुका है। पहले तो एक काम कर बॉडीगार्ड, मेरे को ना स्टिकी बॉम्ब दे भाई, जल्दी से स्टिकी बॉम्ब दे मेरे को। ठीक है गाइस, इस टाइम पर ना अपने बॉडीगार्ड ने अपने को स्टिकी बॉम्ब तो दे दिए हैं, और अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पर स्टिकी बॉम्ब लगाना है हर जगह पर। चलो
अब जल्दी से काम कर बॉडीगार्ड, अपने ना ट्रेवर और फ्रैंकलिन को साइड कर दे। और ये देखो गाइस, ये अन्ना था ना भाई, 3-3.5 साल से इसने अपने को परेशान कर रखा था यार। फाइनली आज जा कर के इसका एंड होने वाला है। हो ही गया, मतलब होने क्या वाला है, बस हम लोगों ने इसको पूरा जला करके खत्म करने वाले हैं। देखो गाइस, इस टाइम पर ना अपने सारे बॉडीगार्ड्स आ गए हैं, फ्रैंकलिन और ट्रेवर दोनों के दोनों प्लेन के अंदर हैं, और मैंने इनको ऑर्डर दे दिया कि तुम लोग जा करके ना लॉस सैंटोस के लिए निकलो, बाकी ना इसका तो एंड हमने कर दिया है, लेकिन जो स्टिकी बॉम्ब मैंने फेंके हैं ना, अब उनको ब्लास्ट करने का टाइम आ चुका है। और अभी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, क्योंकि जो बीबी गेमिंग है ना गाइस, वो डगन और ईगल का पीछा कर रहा है और वो आगे की साइड है, तो मेरे को ना उसके पास जाना होगा। और यहाँ से अपना एवेंजर प्लेन निकल रहा है लॉस सैंटोस के लिए। तो चलो गाइस, अब जल्दी से इस वाली बाइक के ऊपर मैं बैठता हूँ, और ये तो जा रहे हैं अपना आराम से लॉस सैंटोस, हेलीकॉप्टर लेकर के ना जाएंगे हॉस्पिटल पर। और 3-2-1 चलो यार, हमने फाइनली इसको ख़त्म कर दिया है, और 3.5 साल बाद एक अपना दुश्मन मर चुका है। बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन करा यार उसने, हेडशॉट बजाया सीधा दूर से। तो चलो अब जल्दी से ना बाइक को भगा करके हमें कहाँ पर जाना है, बिल्कुल आगे की साइड, और वो ना इसी साइड को आया था अपने एक बाइक को भगा करके। चलो अब जल्दी से ना गाइस, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि माइकल जिंदा है, और हमें ना यहाँ से भाग करके जाना होगा। और आपको गन साउंड आ रहे हैं क्या? मेरे को ना ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे की तरफ शायद से फाइट वगैरह हो रही है, पता नहीं गाइस ऐसा क्यों लग रहा है। और एक मिनट, वो देखो सामने की साइड एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है मेरे को, और ये किसका हेलीकॉप्टर है? अरे भाई ये गन्स वगैरह चल रही है हेलीकॉप्टर में से, और ये देखो ये रहा बीबी गेमिंग। चलो गाइस, गन तो मेरे पास भी है, और इस टाइम पर ना बीबी गेमिंग की हम लोग मदद करते हैं। और गन है तो मेरे से ले लेना, गन तो है मेरे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गेम बजाने डगन का मैंने यार बहुत ज्यादा पीछा किया, डगन यहाँ से भाग गया है हेलीकॉप्टर लेकर। गाइस इस टाइम पर डगन भाग चुका है, सही में भाग गया यार। हाँ डगन यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर निकल गया है, बच गया आज तो डगन। इनको मारना पड़ेगा सबसे पहले, देख रहे हो उसके ये जो चमचे हैं ना डगन के, इनको मारना पड़ेगा। चलो ना निकलो इधर से, कवर कर रहा हूँ मैं तेरे को, तू आगे की साइड जा। ओ भाई आरपीजी के अलावा तो बात ही नहीं कर रहा, ये आरपीजी से इसने गेम बजा दिया सबकी। और एक सेकंड वो देख, लेफ्ट साइड में एक गाड़ी आ रही है भाग करके पूरी फुल स्पीड में। मारता हूँ, ठीक है मार दिया। और चल ना निकल इधर से, ठीक है एक हेलीकॉप्टर दिख गया, हम लोग उसमें से चलेंगे। और एक मिनट गाड़ी आ गई है, ये इधर उधर घूम रही है, टक्कर मार सकता अपने कोई बंदा। जल्दी से बैठ, गाड़ी के अंदर एक गाड़ी आ रही है, बैठ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बुलेट प्रूफ कार आ रही है। और एक बंदा इधर है ना, रुक जा यार, एक बंदा तो छोड़, कोई गाड़ी वाला था यार मैंने देखा इधर अभी, रुक मेरे पे काम करना चाहिए, पीछे से आ रहा है। अबे मेरी बात सुनी, इस पे ना फायर करेंगे, ठीक है इसको नहीं छोड़ेंगे। दोनों भाग गए डगन और वो ईगल, दोनों के दोनों भाग गए, इसको मारते हैं वहां से। भाई एक काम करते हैं छोड़, अब तो इसको मार करके हम लोग क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर दिख रहा है मेरे को सामने, ठीक है सामने हेलीकॉप्टर, उसमें बैठ करके निकलते हैं, अपने बॉडीगार्ड्स तो निकल ही गए हैं, जल्दी से चल। ओ भाई एक मिनट, भाई क्या सीन हो गया इधर, रुको, हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर, मैं से रुकता हूं, हेलीकॉप्टर को शुरू कर रहा हूं, और इसने तो आरपीजी निकाल लिया, जल्दी से बैठ जा। ओ भाई फट गया वो, ठीक है चल। फाइनली गाइस इस टाइम पर ना हम दोनों लोग अपने हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं, और जो हेलीकॉप्टर है ना ये ज़्यादा देर तक तो नहीं चल पाएगा, इसमें से ना यार इंजन इसका साउंड बहुत ज़्यादा कर रहा है। चलो ये देखो मैं बैठ चुका हूँ, पीछे की साइड बीबी गेमिंग बैठ चुका है, और अपने को निकलना इधर से सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी ना गाइस सही में हेलीकॉप्टर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है, अरे यार बहुत ज़्यादा बुरा ही सीन हो चुका है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल तो इस टाइम पर ना हम लोग लॉस सैंटोस जा रहे हैं, और मज़ा आया गाइस। हमारे हाथ से डगन मरते मरते बच गया, और बाकी जो अन्ना है उसको तो बीबी गेमिंग ने मार दिया है। तो चलो गाइस आप लोग ना कमेंट में स्पैम कर देना, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये जरूर से बता देना कमेंट्स में। और जो लाइक एम है वो है पूरे 40,000 लाइक्स का, 40,000 लाइक्स करवा दो गाइस जल्दी से। मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।